नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। 2000 रुपए के नोट अब बीते वक्त की बात होने वाले हैं। ये फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है और आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे, यानी आपके पास अभी 2000 रुपए के जो भी नोट हैं उन्हें आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं और इसके लिए एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है और ना ही आपके पास पड़े 2000 के नोट रद्दी होने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को सिर्फ चलन से वापस लेने का फैसला लिया। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, सो इट हैज सर्व्ड इट्स नीड एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू स्मॉलर डिनोमिनेशन। सर, जस्ट फॉर द क्लेरिफिकेशन, व्हाट विल हैपन आफ्टर सर 30 सितंबर के बाद क्या होगा सर इन नोट्स का? क्या आरबीआई इस नोट्स को लेगा वापस, क्योंकि बैंक्स? हाँ, ये तो अभी भी लीगल टेंडर है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अभी भी लीगल टेंडर है जी। इट कंटिन्यूज एज अ लीगल टेंडर। तो सर सितंबर 30 के बाद ऐसे कई बार हुई है। यू हैव हैड यू नो 1 500 रुपी नोट वाज विड्रॉन सम इयर्स अगो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सो दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स, दिस इज नॉट न्यू। सर इसे नोट डिमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ 2000 रुपी नोट्स है। आरबीआई ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। 2000 के नोटों की फिलहाल वैलिडिटी बनी रहेगी, यानी ये लीगल टेंडर रहेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक आप इन्हें बैंक जाकर बदलवा सकेंगे, तब तक आप इन नोटों का मार्केट में लेन देन कर सकते हैं और 30 सितंबर के बाद इन्हें आरबीआई में जाकर बदलवाना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे लोग 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में बदलते जाएंगे, ये बाजार से हटते जाएंगे। जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे वो दोबारा जारी नहीं होंगे, इस तरह वो चलन में दोबारा नहीं आएंगे और पूरी तरह से हट जाएंगे। बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है, ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा और ये सुचारू रूप से काम हो जाएगा। बैंकों में दूसरे ग्राहकों को दिक्कत ना हो, इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में अधिकतम सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के 2000 के नोट ही बदलवा सकेंगे, यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सचेंज होंगे। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी कई खास बातें हैं, जैसे कि 2021 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि 2018 के बाद से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में लाया गया था और 2018-19 के बाद से इसकी छपाई बंद कर दी गई। 2000 का नोट वैसे ही नहीं दिख रहा था, न एटीएम से निकल रहा था, न बैंकों में मिल रहा था। एवरीडे यूज में 2000 का नोट नहीं आता है, बड़ी चीजों के लिए ही आता है। और देखिए, ये बात पक्का है कि अब जो नकली नोटों की छपाई कम हुई है, इसके कारण जो पीछे हुआ था, अब दोबारा भी इस पे असर आएगा। अब हाई डिनोमिनेशन जितना भी नोट होगा, सिंगल हाई डिनोमिनेशन नोट होगा, सबसे ज्यादा टैक्स को खत्म करने में, टैक्स को उड़ाने में ये बहुत काम देता है, बहुत आसानी से काम आता है। इसलिए अब जो है, अगर लार्ज सम ऑफ मनी विदाउट डिटेक्शन अगर अपने को रोकना, तो 2000 का नोट खत्म करना और रोकना बहुत अच्छा है। जिस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोटों को वापस लिया जा रहा है, वो 1988 में लागू किया गया था। उस वक्त देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए इसे पेश किया गया था। इस पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर कई अच्छा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा करने और उसके बदले नए नोट लेने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि उस वक्त बाजार में कैश की थोड़ी किल्लत हुई थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। बाजार में करेंसी की ना तो कमी है और ना ही 2000 के नोटों पर किसी तरह की निर्भरता। आरबीआई ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले छपे थे। 2000 के 89% नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। 2000 रुपए के केवल 10.8% नोट ही सर्कुलेशन में है। बाजार में बिक्री खरीद में इनका बेहद कम इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सभी मूल्य के नोट जरूरत पूरा करने में सक्षम है। बहरहाल, आप इस बात का इत्मीनान रखें कि आपके 2000 रुपए के नोट बेकार बिल्कुल नहीं होंगे और ना ही इसे लेकर कोई सवाल उठेंगे।
अगर आपके पास ये नोट है तो धैर्य रखें और 23 मई से इसे किसी भी बैंक में बदलने को आपको पूरा मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा कराने के लिए कहा है। इस फैसले को लेकर सीएम गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार सही फैसले नहीं ले रही, जनता को अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब जो किया है ना, 30 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई, 1000 रुपये की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 के नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया? समझ के परे, अभी दृश्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताएं कि बंद करने का उनके उनके पीछे मंत्रा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंत्रा है? फिर करेंसी आ गई, इजाद आ गई क्या, वो बताएं? वो तो देखिए, टाइम जो उन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया उन्होंने टाइम नहीं दे करके, टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताएं, विश्वास में लेना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके पास मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था, लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई बाद में, कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था, कोई सोच नहीं सकता। उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए, पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताएं पब्लिक को, विश्वास न ले कम से कम इस कारण उन्होंने बंद किया। इनके चुनाव का जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप बताइए कि उन्होंने खुद 2000 का नोट लॉन्च किया था, आज उसी 2000 को वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो फैसला किया था उन्होंने, या तो वो गलत था, या फिर इनके पीछे क्या मकसद है देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और अब जब 2000 का कर रहे हैं तो 500 का उस वक्त किया था, तब तो प्रधानमंत्री जी 8 बजे बोले थे, और अभी हल्के से रिजर्व बैंक से आदेश निकलवा दिया, वो प्रधानमंत्री जी 8 बजे नहीं बोले कि भाइयों और बहनों 2000 के नोट आज से बंद। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ सके इस उद्देश्य के साथ में ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब धीरे धीरे सामने आएगा। इन्होंने कोई लॉजिक भी नहीं बताया कि हमने क्यों तो लॉन्च किया था, क्यों हमने इसको बंद किया है, तो ये एक आर्थिक मंदी आएगी जिससे देश की विकास रुकेगा, तो इसकी प्रगति रुकेगी।